हॉस्टल खाली करने को लेकर पीएमसीएच में जीएनएम नर्सिंग छात्राओं पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसके बाद जीएनएम के जरिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। जनशक्ति भवन में जीएनएम नर्सिंग और महिला मोर्चा और एआईएसएफ की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। महिला मोर्चा की निवेदिता झा ने बताया कि जिस तरह से नर्सों पर लाठीचार्ज किया गया, इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। बहुत शर्मनाक घटना है, और जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी सरकार के राज में सबसे ज़्यादा बेटियों पर हमले हो रहे हैं। वो वैसी बेटियां जो पढ़ने जा रही हैं, ये क्या मांग कर रही हैं? ये मांग कर रही हैं कि इनको जो हटाया गया है वहाँ से, छात्रावास से, वो राजा पकड़ी जो है वो बहुत दूर जगह है, वहाँ से आने जाने में इनको सुविधा होगी, और सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा का मामला उससे जुड़ा हुआ है। तो इन तमाम मांगों को लेकर ये कह रही है कि आप उनको पटना में रहने के लिए, ये सरकार सक्षम है कि इन लड़कियों को पटना में रहने की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि इनको पढ़ने में भी सुविधा हो। और ये तमाम कल की आने वाली नर्स, जिस नर्स पे हमारी पूरी जो हेल्थ की जो व्यवस्था है।